गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी इंग्लिश रीडर में चैप्टर 8 पढ़ चुके थे। आप लोग इसमें होमवर्क में ट्रू फॉल्स किए थे, ठीक है। यहाँ देखिए, ट्रू फॉल्स आप सभी बनाए थे। उसके बाद यहाँ वोकैबुलरी शब्दावली या शब्दकोश दिया हुआ है, तो जो बच्चे के पास बुक है वो बुक में भरते चलेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में लिखेंगे या फिर समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, वोकैबुलरी शब्दकोश या शब्दावली। सेपरेट द एनिमल्स गिवेन इन द बॉक्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। पुट देम इन द कॉलम्स गिवेन बिलो। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स। सेपरेट अलग अलग करना, द एनिमल्स जानवरों को, गिवेन इन द बॉक्स बॉक्स में दिए हुए जानवरों को, अकॉर्डिंग टू द फूड भोजन के अनुसार, दे ईट जो वे खाते हैं, जो भोजन जानवर खाते हैं उनके भोजन के अनुसार आप इन जानवरों को अलग कीजिए। पुट देम इन कॉलम्स गिवेन बिलो, नीचे कॉलम दिया हुआ है। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स, आप इसमें और अधिक जानवर भी जोड़ सकते हैं। पहले देखिए बॉक्स में कौन कौन से जानवर दिए गए हैं, कैट, बिल्ली, हॉर्स, घोड़ा, डॉग, कुत्ता, टाइगर, चीता, एलिफेंट, हाथी, हेयर, खरगोश, डियर, हिरण, लायन, शेर, वॉल्फ, भेड़, काउ, गाय, गोट, बकरी, कैमल, ऊंट, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये क्या खाते हैं उनके भोजन के अनुसार, हमको ये तीन कॉलम दिया हुआ है, उस तीन कॉलम में जानवरों के नाम को अलग अलग लिखना है, ठीक है। पहले इसको समझिए। ईट ओनली प्लांट्स, ईट ओनली प्लांट्स हर्बीवोरस, ईट ओनली प्लांट्स हर्बीवोरस शाकाहारी, जो केवल पौधे, जो केवल हरे पौधे खाते हैं, ठीक है। उन जानवरों के नाम को हम इस कॉलम में लिखेंगे। फिर है सेकेंड, ईट्स ओनली फ्लेश कार्निवरस, कार्निवरस मांसाहारी, जो केवल फ्लेश क्या खाते हैं, मांस, जो जानवर केवल मांस खाते हैं उनके नाम हम इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है थर्ड, ईट्स बोथ फ्लेश एंड प्लांट्स, जो जानवर दोनों मांस और पेड़ पौधे दोनों खाते हैं उनको ओमनिवोरस, ओमनिवोरस सर्वाहारी, उस जानवरों के नाम को हम ओमनिवोरस वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम जानवरों के नाम पढ़ते जाते हैं। कैट, बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली क्या खाती है, वो मांस भी खाती है और प्लांट्स भी, इसको हम ओमनिवोरस में लेंगे, ठीक है। मांस भी खाती है क्योंकि चूहा, माउस जानते हो ना, तो चूहा खाना बिल्ली को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हॉर्स, घोड़ा, घोड़ा हम सब जानते हैं वो केवल हरा घास, पेड़ पौधे की पत्तियाँ ही खाता है, तो वो किस में आ जाएगा, हर्बीवोरस, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद डॉग, कुत्ता, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो दोनों चीज़ खाता है, फ्लेश और प्लांट्स, लास्ट कॉलम में उसका नाम लिखेंगे। फिर है टाइगर, चीता, बाघ जानते हैं ना, वो केवल फ्लेश, मांस खाता है, उसको हम लेंगे कार्निवोरस में। एलिफेंट, हाथी, हाथी केवल प्लांट्स खाता है, फर्स्ट कॉलम में उसका नाम लिखेंगे। फिर है हेयर, खरगोश, खरगोश भी केवल प्लांट्स खाता है, द
डियर हिरन, हिरन हिरन जानते हैं वो भी केवल प्लांट्स खाता है, उसे भी हम लेंगे हर्बीवोरस में। लायन शेर, शेर जानते हैं वो फ्लेस खाता है मांस, उसको हम लिखेंगे सेकेंड कॉलम कार्निवोरस में। वॉल्फ भेड़, भेड़ जानते हैं ना जो बकरी को खाता है, तो वो कार्निवोरस में आएगा। काउ गाय, गाय आप सभी देखे हैं जानते हैं वो केवल प्लांट्स खाती है, तो गाय किसमें उसका नाम आएगा हर्बीवोरस में। गॉट बकरी, बकरी क्या खाती है प्लांट्स, हर्बीवोरस में नाम आएगा। कैमल ऊंट, ऊंट भी केवल हरे पौधे ही खाता है, उसको भी हम हर्बीवोरस में लेंगे। ठीक है, समझ में आया, आप सभी भर लेंगे अपनी बुक। उसके बाद हमारा चैप्टर एट वो कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ग्रामर हैं, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 रनिंग एंड शाउटिंग। आई एम रनिंग बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू रन। आई एम नॉट इन अ हरी, आई एम रनिंग फॉर फन। आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड एंड आई विल रन डाउन द हिल एंड आई विल रन बाय द स्ट्रीम That can never keep still. And I will run in the sun. I will run and I will run. And I will run and I will run. I am shouting because I am wanting to shout. It's a sort of noise. And there is no one about. पोयम है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो प्ले करके भी आप देख सकते हैं। आई एम क्रॉसिंग द फील्ड एंड आई विल shout डाउन द हिल एंड आई विल shout by the stream that can never keep still. I will shout in the rain and I will shout in the sun. I will run as I shout and I will shout as I run. एक बार फिर से हम रीड करते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर हम मीनिंग समझेंगे। रनिंग एंड शाउटिंग। आई एम रनिंग बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू रन। आई एम नॉट इन अ हरी। आई एम रनिंग फॉर फन। आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड एंड आई विल रन डाउन द हिल एंड आई विल रन बाय द स्ट्रीम दैट कैन नेवर Keep still, that can never keep still. And I will run in the sun. I will run and I will run. And I will run and I will run. I am shouting because I am wanting to shout. Because I am wanting to shout. It's a sort of noise and there is no one about and there is no one about. I am crossing the field and I will shout down the hill. And
I will shout by the stream. That can never keep still. That can never keep still. I will shout in the rain. And I will shout in the sun. I will run as I shout. And I will shout as I run. And I will shout as I run. अब हम मीनिंग समझेंगे, ठीक है? रनिंग एंड शाउटिंग. रन मीन्स दौड़ना, शाउट मीन्स चिल्लाना. रनिंग एंड शाउटिंग, दौड़ना और शोर मचाना या चिल्लाना. दौड़ना और शोर मचाना. आई एम रनिंग बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू रन. आई एम, एम मीन्स हूँ. आई मीन्स मैं, रनिंग दौड़ रही. बिकॉज क्योंकि. आई एम वॉन्टिंग, वॉन्टिंग चाहती हूँ. टू रन दौड़ना. मैं दौड़ रही हूँ. आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ. बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू रन, क्योंकि मैं दौड़ना चाहती हूँ. आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ. बिकॉज क्योंकि. आई एम वॉन्टिंग टू रन, क्योंकि मैं दौड़ना चाहती हूँ. आई एम नॉट इन अ हरी. आई एम रनिंग फॉर फन. आई एम नॉट, नॉट मीन्स नहीं. इन में, हरी मीन्स जल्दी. मैं जल्दी में नहीं हूँ. मैं जल्दी में नहीं हूँ. आई एम रनिंग फॉर फन. मैं दौड़ रही हूँ फॉर फन. फॉर मीन्स के लिए, फन मीन्स मज़ा. मैं मज़ा के लिए दौड़ रही हूँ. आई एम नॉट इन अ हरी. मैं जल्दी में नहीं हूँ. आई एम रनिंग फॉर फन. मैं मज़ा के लिए दौड़ रही हूँ. आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड. आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड. आई एम क्रॉस, क्रॉस मीन्स पार करना. फील्ड, फील्ड मीन्स खेत. मैं खेत पार कर रही हूँ. मैं खेत पार कर रही हूँ. एंड और, आई विल रन डाउन द हिल. डाउन मीन्स नीचे. रन मीन्स दौड़ना. हिल मीन्स पहाड़. और मैं पहाड़ के नीचे दौड़ूंगी. और मैं पहाड़ के नीचे दौड़ूंगी. एंड और, आई विल रन बाय द स्ट्रीम. स्ट्रीम मीन्स धारा, प्रवाह. धारा या प्रवाह, नदी, ठीक है? और मैं नदी के साथ दौड़ूंगी. और मैं नदी के साथ दौड़ूंगी. दैट कैन नेवर कीप स्टील. दैट कैन नेवर कीप स्टील. दैट, जो, कैन, सकना. नेवर, कभी नहीं. कीप, रहना. स्टील मीन्स स्थिर. जो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, ठीक है? इस चैप्टर में एक बच्ची अपने भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर रही है, बता रही है, ठीक है? क्या बोलती है? आई एम रनिंग. मैं दौड़ रही हूँ. बिकॉज, क्योंकि. आई एम वॉन्टिंग टू रन, क्योंकि मैं दौड़ना चाहती हूँ. आई एम नॉट इन अ हरी. मैं जल्दी में नहीं हूँ. आई एम रनिंग फॉर फन. मैं मज़े के लिए दौड़ रही हूँ. आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड. मैं खेत पार कर रही हूँ. एंड आई विल रन डाउन द हिल. मैं पहाड़ के नीचे दौड़ूंगी. एंड आई विल रन बाय द स्ट्रीम. मैं नदी के साथ दौड़ूंगी. दैट कैन नेवर कीप स्टील. जो कभी भी स्थिर नहीं रह सकती. नदी का प्रवाह, जो धारा है, वो स्थिर नहीं रहती है, बहते रहती है हमेशा. और लड़की बोलती है कि मैं नदी के साथ दौड़ूंगी. जो कभी भी स्थिर नहीं रह सकती, ठीक है? आगे क्या बोलती है? एंड और, आई विल रन इन द सन. आई विल रन इन द सन. सन मीन्स सूर्य, धूप, ठीक है?
और मैं धूप में दौड़ूंगी। आई विल रन एंड आई विल रन, मैं दौड़ूंगी और दौड़ती रहूंगी। एंड आई विल रन एंड आई विल रन, मैं दौड़ूंगी और दौड़ती रहूंगी। ठीक है, लड़की बोल रही है मैं दौड़ूंगी और दौड़ती रहूंगी। आई एम शाउटिंग बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू शाउट। आई एम शाउटिंग, मैं चिल्ला रही हूँ, शोर कर रही। बिकॉज, क्योंकि। आई एम वॉन्टिंग टू शाउट, वॉन्टिंग मीन्स चाहना, क्योंकि मैं चिल्लाना चाहती हूँ। मैं चिल्ला रही हूँ क्योंकि मैं चिल्लाना चाहती हूँ। इट्स अ सॉर्ट ऑफ नॉइज, इट्स अ सॉर्ट ऑफ नॉइज। इट्स, यह है, अ सॉर्ट, एक प्रकार, ऑफ नॉइज, नॉइज मीन्स शोर मचाना, यह शोर मचाने का एक तरीका है। एंड देयर इज नो वन अबाउट, और देयर, वहाँ, इज है, नो वन, कोई भी नहीं, अबाउट लगभग, और लगभग वहाँ कोई भी नहीं है। ठीक है, लड़की अकेली है और बोलती है, एंड आई विल रन इन द सन, मैं धूप में दौड़ूंगी। आई विल रन एंड आई विल रन, मैं दौड़ूंगी और दौड़ती रहूंगी। एंड आई विल रन एंड आई विल रन, और मैं दौड़ूंगी और दौड़ती रहूंगी। आई एम शाउटिंग बिकॉज, आई एम शाउटिंग, मैं चिल्ला रही हूँ। बिकॉज, क्योंकि। आई एम वॉन्टिंग टू शाउट, क्योंकि मैं चिल्लाना चाहती हूँ। इट्स अ सॉर्ट ऑफ नॉइस, यह शोर मचाने का एक तरीका है। एंड देयर इज नो वन अबाउट, और वहाँ लगभग कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है, लड़की अकेली है और वो मज़ा करना चाहती है और मज़े के लिए चिल्ला रही है और दौड़ रही है। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम क्रॉसिंग द फील्ड, आई एम क्रॉसिंग द फील्ड। क्रॉस मीन्स पार करना, मैं खेत पार कर रही हूँ। फील्ड मीन्स खेत, मैं खेत पार कर रही हूँ। एंड आई विल शाउट डाउन द हिल, हिल मीन्स पहाड़ी, शाउट मीन्स चिल्लाना, डाउन मीन्स नीचे, और मैं पहाड़ के नीचे चिल्लाऊंगी। एंड आई विल शाउट बाय द स्ट्रीम, और मैं नदी के साथ चिल्लाऊंगी। नदी का जब प्रवाह, उसका धारा जब बहता है तो उससे भी कलकल की आवाज़ आती है। तो लड़की बोल रही कि मैं नदी के धारा के साथ भी चिल्लाऊंगी। दैट कैन नेवर कीप स्टील, जो कैन सकना, नेवर कभी नहीं, कीप स्टील स्थिर रहना, जो कभी भी स्थिर नहीं रह सकती, मैं उस नदी के साथ भी चिल्लाऊंगी। आई विल शाउट इन द रेन, आई विल शाउट, मैं चिल्लाऊंगी। इन द रेन, रेन मीन्स बरसात या बारिश, मैं बारिश में चिल्लाऊंगी। एंड आई विल शाउट इन द सन, और मैं धूप में चिल्लाऊंगी। आई विल रन एज आई शाउट, आई विल रन, जैसे मैं दौड़ूंगी। एज आई शाउट, वैसे मैं चिल्लाते जाऊंगी। एंड आई विल शाउट, जैसे मैं चिल्लाते जाऊंगी। एज आई रन, वैसे ही मैं दौड़ूंगी। ठीक है, लड़की बोलती है, आई एम क्रॉसिंग द फील्ड, मैं खेत पार कर रही हूँ। एंड आई विल शाउट डाउन द हिल, और मैं पहाड़ के नीचे चिल्लाऊंगी। एंड आई विल शाउट बाय द स्ट्रीम, मैं नदी के साथ चिल्लाऊंगी। दैट कैन नेवर कीप स्टील, जो कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। आई विल शाउट इन द रेन, मैं बारिश में चिल्लाऊंगी। एंड आई विल शाउट इन द सन, मैं धूप में चिल्लाऊंगी।
आई विल रन एज आई शाउट, जैसे मैं दौड़ूंगी वैसे ही मैं चिल्लाते जाऊंगी। एंड आई विल शाउट, जैसे मैं चिल्लाऊंगी एज आई रन, वैसे ही मैं दौड़ते जाऊंगी। ठीक है, लड़की बोलती है मैं दौड़ते हुए चिल्लाते हुए जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो मज़ा कर रही। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको दिखा दिए जाएंगे। और बी नंबर है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल बिलो। यहाँ टेबल है दिया हुआ, आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग इन डाउन अप नियर। इसमें से कोई एक आपको लेना है। ठीक है, इन लेंगे, द चाइल्ड इन रनिंग एंड शाउटिंग इन द सन, इन द सन, इन द रेन। ठीक है, इस तरह से आप इसे होमवर्क में बनाएंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एट हैं, तो आपको एट सेंटेंस, आठ वाक्य बनाना है। आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में बनाएंगे और फिर सेंड करेंगे वन पेज राइटिंग के साथ। और यहाँ देखिए वोकैबुलरी शब्दकोश, इसमें दिया हुआ है, गिवेन आर फोर पिक्चर्स इन द सर्कल। सर्कल में चार तस्वीर दिया हुआ है, देयर आर सम एक्शन वर्ड अराउंड इट, और इसके चारों ओर कुछ एक्शन, कुछ कार्य भी हैं। मैच द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इसमें से आपको शरीर के अंग के अनुसार विद द वर्क दे डू, जिससे उस कार्य को हम करते हैं उसको मैच करना है। यहाँ देखिए वॉच टीवी, टीवी देखना, हम हाथ से टीवी देखते हैं नहीं, पैर से नहीं, मुंह से नहीं, आँख से, हाँ हम आँख से, आई से देखते हैं। ठीक है, राइट लिखना, लिखने का काम हम हैंड से करते हैं, इसको मैच करना है। रन दौड़ना, हम रन कैसे करते हैं, अपने पैरों से। शाउट चिल्लाना, माउथ। रीड पढ़ना, माउथ। क्लैप ताली बजाना, हैंड। कुक कुक भोजन पकाना, हैंड। ड्रिंक ड्रिंक पीना, माउथ। वॉक चलना, पैर। स्पीक बोलना, माउथ। सी देखना, किससे देखते हैं, आई। स्टैंड खड़े होना, पैर। ईट खाना, किससे खाते हैं, माउथ। वॉश धोना, हम क्या चीज़ से धोते हैं, अपने हाथों से, हैंड। ठीक है, इस तरह से इसको आप मैच कर लेंगे। ठीक है, और जो होमवर्क में दिया गया है सेंटेंस बनाने के लिए, आपको आठ सेंटेंस बनाना है और साथ में एक पेज राइटिंग करना है। ठीक है, ओके बच्चे, बाय बाय।